शांति। आज 9 अप्रैल 2024 और आज बड़ा शुभ दिन है। सभी भाई बहनों को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के दिन भारत के कई प्रांतों में नए साल के रूप में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं, तो दक्षिण भारत की ओर जाए तो युगादि या उगादि कहते हैं। आज के दिन को ही सिंध प्रांत में चेटी चंद के रूप में मनाते हैं और आसाम के तरफ जाए तो बिहू फेस्टिवल के रूप में उसको मनाया जाता है। पंजाब की ओर बैसाखी के रूप में खुशी से आज के दिन से जैसे हर एक के जीवन में एक खुशी की लहर छा जाती है। वैसे भी माना जाता है कि भारत श्रेष्ठ समृद्ध संस्कृति का देश है और इसलिए समय प्रति समय विभिन्न त्योहार मानव जीवन के अंदर विशेष एक नई चेतना को जागृत करता है और खुशी उमंग उत्साह के साथ सबके साथ मिल करके ये त्योहार मनाते हैं, जिससे संबंधों के अंदर मधुरता छाई रहे। गुड़ी पाड़वा के दिन के महत्व को हम समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि जब आरंभ होती है तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म होता है नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए। इसीलिए उसको युग आदि अर्थात एक नए युग का प्रारंभ, नए वर्ष का प्रारंभ माना जाता है और खुशी खुशी के साथ इस दिन को विशेष यादगार बना दिया। इसी दिन के लिए कहा जाता कि श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे, अर्थात बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता की जीत हुई, आसुरी शक्ति के ऊपर दैवी शक्ति की विजय हुई। इसीलिए चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ होती है। नवरात्रि अर्थात कि जब शिव की शक्तियां इस संसार में आकर के आसुरी शक्तियों को खत्म कर दैवी शक्ति को जागृत करते हैं और चारों ओर दिव्यता छा जाती है। तो ये विजय का दिन माना गया है और इसीलिए जब गुड़ी बनाते हैं तो सबसे पहले एक डंडी के ऊपर पीला वस्त्र डालते हैं, झरियों वाला, अर्थात समृद्धि का दिन है। सबके जीवन में समृद्धि हो उसका प्रतीक है। साथ ही साथ उसके ऊपर फूलों की माला डाली जाती है। ये फूलों की माला अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। पताशे की माला डाली जाती है अर्थात संबंधों में मधुरता बनी रहे, हर एक के साथ हमारा सुंदर मधुर संबंध हो। और साथ ही साथ नीम के पत्तों की माला भी डाली जाती है, अर्थात जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, पतझड़ समाप्त होती है तो नए नए कोमल नीम के पत्ते निकलते हैं और ये नीम के पत्ते आरोग्य का प्रतीक है, अर्थात हरेक का जीवन
स्वस्थ जीवन हो, यही शुभकामना की जाती है। इसलिए कई लोग अपने घरों में विशेष नीम को स्वीकार करते हैं, चबाते हैं, ताकि कोई भी प्रकार की रोग समाप्त हो जाए और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान हो। साथ ही उस गुड़ी के ऊपर एक चांदी का या तांबे का कलश बांधते हैं। भावार्थ यही कि हमारे जीवन में सदा ये समृद्धि, स्नेह, प्यार, मधुरता और स्वस्थ जीवन हमारा रहे, उसकी शुभकामना। इसी के साथ उसको सफलता का दिन भी माना जाता है कि जब हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करें तो उसमें सफलता प्राप्त हो। इसलिए आज का सारा दिन शुभ ही माना जाता है। विशेष ये नए साल पर लोग अपने आंगन में रंगोली निकालते हैं। रंगोली अर्थात कि जीवन के अंदर रचनात्मकता बनी रहे। बड़ी सुंदर रंगोलियां होती है हर एक के आंगन में। ये रचनात्मकता का प्रतीक है कि जैसे ही ये नया साल आरंभ हो तो हर एक के मन के अंदर सुंदर सकारात्मक रचनात्मक विचार, नवीन विचार के साथ हम ये साल प्रारंभ करते हैं। तो कितना सुंदर भावार्थ है आज के दिन का, और ये दिन प्रकट करता है कि हम अपने जीवन में भी ये संकल्प लें कि हर बुराई के ऊपर, कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन में भी विजय पताका लहराए, नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता की विजय हो, आसुरी शक्ति के ऊपर दिव्य शक्ति का आवाहन करते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त करें और हमेशा जीवन के अंदर नवीनता, रचनात्मकता अपने विचारों में धारण करें। इसी के साथ ये सुंदर वर्ष का प्रारंभ करें, नए युग का प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।